सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 9 केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 2 हम इसका डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, आज के दिन हम बात करेंगे रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में, या जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रदरफोर्ड, ये सवाल ऐसा आ सकता है कि डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है हमने किस चीज की रोशनी के अंदर, एटम के स्ट्रक्चर की रोशनी के अंदर। तो आइए जरा स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का इंट्रोडक्शन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का इंट्रोडक्शन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे बेसिक, सबसे मजबूत तरीन थ्योरी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 के अंदर। प्रिंसिपल क्या है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, वो है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन फॉइल ऑफ मेटल, के अल्फा पार्टिकल्स की हम स्कैटरिंग करवाएंगे मेटल की एक पतली शीट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टारगेट मटेरियल की सिलेक्शन कर ली और प्रोजेक्टाइल। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली गोल्ड को अपना एज अ टारगेट मटेरियल चूज किया और अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर निशाना बना के फेंका, तो अल्फा पार्टिकल्स को एज अ प्रोजेक्टाइल चूज किया। रीजन क्या है गोल्ड की सिलेक्शन का, तो इसका इसके इसका रीजन ये है कि गोल्ड एटम जो होता है वो 50 गुना ज्यादा हैवियर होता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, और इसका इसका काम भी हो सकता है कि गोल्ड जो होता है वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को हो सकता था शायद रोक ले, क्या पता अपने अंदर से पास होने दे, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये गोल्ड फॉइल बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को शायद बाउंस बैक कर पाती, इन्होंने यही सोचा था, तो इसलिए इन्होंने गोल्ड को उठा लिया। अब अल्फा पार्टिकल्स के सिलेक्शन का मतलब क्या है, देखिए अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर ना डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है कि ये 7500 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो इसका मतलब कि इतनी हैवी होने की वजह से इनको तो पास होना ही नहीं चाहिए, उस गोल्ड फॉइल के अंदर से पास होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उससे बाउंस बैक हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ यूं के बिल्कुल ही उलट हो गया, जैसा रदरफोर्ड ने सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट गई बात। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड ने बेसिकली एक गोल्ड फॉइल ले ली, थिन गोल्ड फॉइल ली, जिसका जो थिकनेस थी वो थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर, और उन्होंने क्या किया, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो पूरी आप समझ लें स्ट्रीम थी, या आप स्ट्रीम को उर्दू में क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा शुआएं जो है थी उन्होंने वो थ्रू करी उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, थ्रू करवाई। अभी जो पार्टिकल्स हैं इन गोल्ड फॉइल के पीछे ना एक स्क्रीन लगी हुई थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो जो स्क्रीन थी वो जिंक की, जिंक से कोट हुई हुई थी, जिंक सल्फाइड से कोट हुई हुई थी, तो वहां पे पार्टिकल अगर कोई पहुंचेगा तो वहां पे उस पार्टिकल की डिटेक्शन हो जाएगी उसकी स्क्रीन के ऊपर ना। तो यहाँ कुछ इस तरह से था, देखें ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ये जो पूरी आपको फॉइल दिख रही है ये गोल्ड की फॉइल, बाकी ये जो पूरी ब्लैक कलर की है ये पूरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब यहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस किया, तो वहां पर अल्फा पार्टिकल्स निकले, अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करवाया इस स्क्रीन के ऊपर, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, सीधे सीधे पास हो गए, और बहुत ही कम थे जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर गए, और बहुत ही कम थे जो बाउंस बैक हुए। तो ये आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से था, अल्फा पार्टिकल्स को एक थ्रो किया तो एक एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह थी, उसके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। जब अल्फा पार्टिकल्स पास हुए तो कहीं कहीं से वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए एट सम एंगल्स, ज्यादातर जो थे वो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास होते रहे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। तो इससे रदरफोर्ड ने अंदाजा लगाया, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मेटल फॉइल के अंदर से अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो मेटल फॉइल है वो अंदर से खाली है, बहुत सारी जगहों से खाली है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम है जो कि अपना पाथ रिफ्लेक्ट करके वापसी बाउंस बैक हो रहे हैं, पलट के वापसी आ रहे हैं। तो से ये कंक्लूड किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं ऐसे वॉल्यूम से, ऐसी जगह से अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं जो कि खाली है, यानी एटम का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो खाली है, ये उन्होंने अंदाजा लगाया। साथ साथ में बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस से
आप ये समझ ले रिपेल होके या तो डिफरेंट एंगल्स पे चलेगा या बाउंस बैक होगा, तो इसका रीजन ये था कि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब पहुंचते तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान में रिपल्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, या तो किसी और एंगल पे चले जाते हैं या पलट के वापस आ जाते हैं। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम के मुकाबले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एटम का जितना भी मास है वो सारा का सारा मास जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अगर हम नेचर ऑफ एटम की बात करेंगे तो एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ये उनकी कंक्लूजन थी। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, जब तक के वो न्यूक्लियस के करीब ना पहुंच जाए, जब तक के वो अपनी एनर्जी को इमिट करते ही रहते। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स है स्टूडेंट, और इन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया नील बोहर ने 1912 के अंदर। उन्होंने एटॉमिक मॉडल के, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर थोड़ा सा आप ये समझ लें डिफेक्ट्स निकाले। तो एनर्जी रेडिएशन, रदरफोर्ड ने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा, और जब कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेगा तो एक टाइम पर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसको न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। और अगर इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन एक एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें एटम का लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता। तो रदरफोर्ड बोहर ने एटॉमिक मॉडल, बोहर ने बेसिकली क्या किया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स है उसको दूर किया। किस तरीके से, हम आपको अब ये समझाएंगे। डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के अंदर, रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जैसे सन के अराउंड में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से उनको न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिरा। अच्छा, अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इमिट करते रहेंगे एनर्जी तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके ऑपोजिट हमें लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स का देखने को मिलता है, तो रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया इस चीज को, तो नील बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स पेश किए एटॉमिक स्ट्रक्चर के। उन्होंने कहा कि भाई एटम जो है उसके बाद कुछ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, एक ऑर्बिट नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, और उन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिट जो है उनकी भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उन्होंने इन ऑर्बिट्स को कहा शेल्स का नाम दिया। इनका शेल्स के उन्होंने नाम रखे के एल एम एन शेल्स वगैरह नाम रखे। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो शेल्स हैं इन्होंने उसको इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, जैसे कि शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, इन नंबर्स को कहा जाता है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर जो है बेसिकली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड, यानी कि एन इक्वल्स टू 1 से लोएस्ट एनर्जी शेल जो होगा, यानी कि के की वैल्यू 1, फिर एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4 एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपने ऑर्बिट के अंदर होते हैं तो वो कोई एनर्जी इमिट नहीं करते, कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करते, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस नहीं होता ना शेल के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप करते हैं तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल के अंदर जंप करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और कहा एनर्जी एब्सॉर्ब हो या एनर्जी इमिट हो वो डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, जिस और वो जो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी होगी उसकी वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म के अंदर होगी। इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्वांटम का या फोटोन का नाम दिया। अब इसी डिसकंटिन्यूअस एनर्जी की वजह से लाइन स्पेक्ट्रम वजूद में आता है, उन्होंने इस चीज को डिटेल में अलग से एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी इमिट होगी, जितना दो शेल्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी हायर शेल और लोअर शेल के दरमियान में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा ई इक्वल टू ई टू माइनस ई वन।
या डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू भी फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एच म्यू। अब म्यू से मुराद है कि एक अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा तो यहाँ पर म्यू फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो बनाएगी, दो होंगे तो 2H में हो जाएगा, तीन होंगे तो 3H में हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब लिमिटेशंस क्या है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की? बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम तो ठीक है लेकिन बाकी सारे एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की तरह से क्यों नहीं है, और इसी तरह से ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर नहीं रिवॉल्व करते हैं, हालांकि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में रिवॉल्व करता है, लेकिन जो बोहर साहब कह रहा था, बोहर साहब कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल नहीं रिवॉल्व करता, थ्री डायमेंशनल रिवॉल्व करता, बल्कि टू डायमेंशनल रिवॉल्व, वो वन डायमेंशनल रिवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे नील बोहर के डिफेक्ट्स। हमने आज के दिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, उसके डिफेक्ट्स को डिस्कस किया, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल को और उसके पोस्टुलेट्स को और उनके डिफेक्ट्स को डिस्कस किया। तो आज दिन हम यहीं तक रखेंगे, हमारी वीडियो आज के दिन यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपने हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।